नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, दुबई का स्टेडियम सज चुका है, सबके इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं, क्योंकि आईपीएल के 14वें सीजन के दूसरे फेज की शुरुआत 19 सितंबर से हो रही है। दूसरे फेज में टूर्नामेंट का पहला मैच एकदम हाई वोल्टेज होने वाला है, क्योंकि धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने रोहित की मुंबई इंडियंस होगी। दोनों टीमें जीत के साथ सफर शुरू करना चाहेंगी, इसीलिए अंतिम 11 सोच समझ कर उतारने की तैयारी की जा रही है। वैसे मुंबई इंडियंस आईपीएल की एक ऐसी टीम है जिसके प्लेइंग 11 में ज़्यादा बदलाव नहीं दिखाई देता है, फिर भी आइए जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पहले मैच में मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। पहले मैच में भी टीम के कप्तान रोहित शर्मा बतौर ओपनर उतर सकते हैं, उनका साथ देने के लिए क्विंटन डिकॉक दिखाई देंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव का खेलना तय है, फिलहाल वो जबरदस्त फॉर्म में है। वहीं चौथे नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन नजर आएंगे। मतलब साफ है कि टीम के टॉप ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा। वहीं पांचवें नंबर पर कायरन पोलार्ड नजर आएंगे, जबकि छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या होंगे। इसके बाद सातवें नंबर पर हार्दिक के भाई कृणाल पांड्या की बारी आएगी, जो कि ये दर्शाता है कि मुंबई टीम के पास सातवें नंबर तक शानदार बल्लेबाजी है। इसके बाद गेंदबाजी की बात करें तो इसमें नाथन कुल्टर नाइल को प्लेइंग 11 में मौका मिलने की संभावना दिख रही है। हालांकि जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाजी की अगुवाई करते हुए दिखाई देंगे, उनका साथ ट्रेंट बोल्ट देंगे। इसके अलावा स्पिन गेंदबाजी में दुबई की पिच को देखते हुए राहुल चहर का खेलना लगभग तय है। तो मुंबई इंडियंस पहले मैच में इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरने के लिए तैयार है, जिसमें रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, नाथन कुल्टर नाइल, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और राहुल चहर दिखाई देंगे। फिलहाल रोहित को इस टीम से काफ़ी उम्मीदें होंगी और वो सोच रहे होंगे कि जीत के साथ टीम के प्रदर्शन को अच्छा किया जाए और एक बार फिर से खिताब पर कब्जा जमाने की कोशिश शुरू की जाए। अब देखना होगा कि रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट प्लेइंग 11 को लेकर क्या कुछ फैसला करता है। फिलहाल आप मुंबई की प्लेइंग 11 क्या देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।